हेलो एवरीवन। सो कंपनी है जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डेली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 14 दिसंबर। सो डेली चार्ट पे क्या है कि कैंडल्स ने अपना चलना स्टार्ट किया था अपसाइड में करीब अप्रैल 2023 में, यानी कि इसी ईयर में फोर्थ मंथ में कुछ इस लेवल से, और यहां से एक मूविंग सपोर्ट लाइन भी निकल रही थी जो कि ट्रेंड को दिखा रही थी प्रॉपर कि कहाँ पे अप ट्रेंड एंड हो रहा है और कहाँ से कैंडल कैसे निकल रही है, ठीक है। एंड ये कुछ एरिया था यहाँ से ट्रेंड चेंज होके प्राइस ने ऊपर चलना चालू किया था। फिर हुआ क्या, कुछ समय पहले यानी कि इस जगह पे यहाँ पे कैंडल्स ने ब्रेक किया अपना उस मूविंग सपोर्ट लाइन को अराउंड 10वें महीने में, ठीक है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो प्राइसिंग है किस तरीके से मूव कर रही है। प्राइस कहीं ना कहीं साइडवेज भी है और कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर मूव भी थोड़ी बहुत चल रही है। जैसे यहाँ बॉक्स बनाया, यहाँ प्राइस साइडवेज हुई थी, फिर उसके बाद प्राइसिंग ने यानी कैंडल्स ने यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड में मूव दिया था, उसके बाद फिर कैंडल्स ने जाके कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे साइडवेज मार्केट को कर दिया, यानी कि फ्लैग बना रही है यहाँ पे। टोटल प्रॉपर विजिबल है किस टाइप का फ्लैग कैंडल्स के अंदर बन रहा है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे पिक्चर में यानी कि इस पूरे चार्ट में वॉल्यूम्स को अगर ठीक से देखा जाए तो वॉल्यूम्स पूरी स्टोरी को साफ साफ बयां कर रहे हैं कि कैंडल्स में किस टाइप की, कंपनी में किस टाइप की मूवमेंट हो रही है और कितना स्ट्रॉन्ग ये चार्ट है। वॉल्यूम बिल्डिंग जो स्टार्ट हुई है, यानी कि वॉल्यूम बना स्टार्ट हुए हैं, डाउन से स्टार्ट हुए हैं, जब जब प्राइस ऊपर मूव हुई है वहाँ वॉल्यूम दिख रहे हैं। यहाँ जहाँ प्राइस रिड्यूस हुई है, नीचे आई है, साइडवेज गई है, वॉल्यूम डिक्रीज है, वॉल्यूम जीरो है, ठीक है। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम बन रहे हैं, बट सबसे बड़ा इशू ये है कि कैंडल्स अभी भी एक साइडवेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अब देखना यह है कि किस लेवल तक कैंडल्स साइडवेज परफॉर्म कर सकती हैं और किस लेवल से इसमें स्ट्रॉन्ग पुल बैक या कैंडल सनने की बारी आ सकती है। सो डायरेक्टली चलते हैं इसके मंथली चार्ट, क्योंकि उसका जवाब मंथली चार्ट पे है, ठीक है। अभी डेली पे समझ लिया, मंथली पे देखते हैं। मंथली चार्ट पे एक कप इसका यहाँ बना था, कप बनने के बाद में कुछ ज़्यादा खास भी कुछ रन नहीं आया बोल सकते हैं। कप का ब्रेकआउट हुआ था 415 पे पहले कप का, और हाई बनाया है 588 पे कुछ इस जगह पे। अब 588 पे इसकी बन गई रेजिस्टेंस। सो अब कैंडल्स अपनी रेजिस्टेंस के पास वर्किंग कर रही है, इस वजह से वहां पे कहीं ना कहीं कैंडल्स में लेजीनेस देखने को मिल रही है। क्लियरली विजिबल है रेजिस्टेंस के पास कैंडल है, और इसी पोजीशन में यानी कि इसी एरिया में कैंडल्स यहां पे साइडवेज मार्केट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी डिक्रीज है, यानी कि जब जब प्राइस नीचे आ रही है तब वॉल्यूम डिक्रीज है। सो एक बार कैंडल्स इस लेवल को ब्रेक कर जाए उसके बाद कंपनी में तेजी देखने को मिल सकती है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में। या फिर एक चीज और इसके अंदर पॉसिबल है, वो भी बता देता हूं क्या है। यहां पे अगर कैंडल्स ठीक नहीं बने, यानी कि इस ब्रेकआउट जोन पे, इस रेजिस्टेंस लाइन पे जो 588 पे है, इस पे अगर कोई भी कैंडल ठीक नहीं बनती है, ब्रेकआउट कैंडल ठीक नहीं बनती है, वॉल्यूम सही नहीं होते हैं, तो वेट करना है रीटेस्ट होने का। रीटेस्ट होके ये ऐसे निकलने के चांसेस ऊपर रख सकती है, यानी कि नीचे से ऊपर रिटेस्ट देगी, फिर नीचे से ऊपर निकलने के चांसेस रख सकती है। सो वेट करना है इस पॉइंट का और देखना है कि कैंडल किस टाइप की बन रही है। अच्छी कैंडल हुई, वॉल्यूम अच्छा हुआ, तो माइट भी पॉसिबल है कि ब्रेकआउट देकर निकल जाए। अगर कैंडल सही नहीं है, वॉल्यूम सही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है कि चेंजिंग पोलैरिटी, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाते हो फिर ऊपर निकले। सो वेट करके चेक ये करना है कि कैंडल किस टाइप मूवमेंट रख सकती है फ्यूचर में। सो दिस इज ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।